गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर और देखते हैं कि इसमें कहाँ तक आप लोगों की पढ़ाई हुई है। तो इसमें शायद आप लोगों का ये सब हो गया है 4 चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर। 5 चैप्टर एक पोयम है जिसका नाम है ओल्ड, पोयम मतलब कि कविता, जिसका नाम है ओल्ड वुमेन इन ए शू, बूढ़ी औरत एक जूते में, इस पोयम का नाम है। ठीक, तो ये शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ी, वुमेन मतलब होता है औरत, मेनी मतलब होता है बहुत, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे जो कि आप लोग हैं, सूप मतलब होता है पेय पदार्थ, मतलब कि कोई भी पीने वाला एक पदार्थ है उसको सूप कहते हैं, ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है रोटी जो आप लोग खाते हैं घर पे, व्हिप, व्हिप मतलब होता है थपकी देना या धीरे से मारना, आप लोगों के मम्मी या मम्मी सुलाते समय आप लोगों को थपकी देती है ना धीरे धीरे माथे पे, वही होता है वीप। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप लोग बढ़िया से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, हु लिव्ड इन ए शू, जो कि एक जूते में रहती थी। देखिए यहाँ एक जूता है, दिख रहा है आपको, और यहाँ एक बूढ़ी औरत है जो खड़ी है। शी हैड सो मैनी चिल्ड्रेन, शी हैड सो मैनी चिल्ड्रेन, उसके बहुत से बच्चे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे दिख रहे हैं जूते में, ये सब इस बूढ़ी औरत के बच्चे हैं। शी डिडंट नो व्हाट टू डू, इतने बच्चों के चलते उसे पता ही नहीं चलता था कि उसको क्या करना चाहिए, बच्चे उसको बहुत तंग कर देते थे। शी गेव देम सम सूप, बूढ़ी औरत ने उन बच्चों को पीने के लिए कुछ सूप दिया, सिर्फ सूप दिया, विदआउट एनी ब्रेड, बस सूप पीने को दिया और रोटी खाने को नहीं दी, बोला कि तुम सिर्फ सूप पियो, रोटी नहीं मिलेगी खाने को। शी व्हिप्ड देम ऑल साउंडली, और उसने सबको प्यार से थपकी मारा सबके पीठ पे, बूढ़ी औरत ने सब बच्चों को पीठ पे प्यार से थपकी मारा। शी व्हिप्ड देम ऑल साउंडली एंड सेंट देम टू बेड, और उन्हें अपने अपने पलंग पे सोने के लिए भेज दिया, बूढ़ी औरत ने अपने बच्चों को पलंग पे सोने के लिए भेज दिया। देखिए, और ये पोयम लिखा है एल फ्रैंक बाउम ने, कवि का नाम है एल फ्रैंक बाउम। तो फिर से देख लीजिए, ओल्ड मतलब कि बूढ़ी, वोमेन मतलब औरत, मेनी मतलब कि बहुत सारे, सूप मतलब कि एक पीने वाला पेय पदार्थ, ब्रेड मतलब रोटी, व्हिप्ड मतलब धीरे से मारना, बेड मतलब पलंग, और ये कविता लिखी है एल फ्रैंक बाउम ने।